आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में खुशियों की बरसात होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन बाद यानी कि जन्माष्टमी के छठे दिन छठी का उत्सव मनाया जाता है। हम सब ने बड़े ही हर्षोल्लास से भगवान का जन्म उत्सव मनाया, लेकिन जन्म उत्सव के बाद यदि हम भगवान का छठी उत्सव नहीं मनाते हैं तो जन्म उत्सव अधूरा सा रह जाता है। इसलिए जिसने भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया है वह भगवान की छठी भी जरूर मनाएं। इस दिन आप पहले अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को सुबह पंचामृत से स्नान करवाएं, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले फूल भगवान को अर्पित करें, पीले चंदन से तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, फिर गोपाल जी को भोग लगाएं। आज के दिन विशेष तौर पर कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भोग जो भी लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर रखें। यदि आपने भगवान का जन्म करवाया है तो आप अपने मंदिर के पास गोबर द्वारा छोटी सी षष्ठी देवी की स्थापना करें। षष्ठी देवी को कोढ़ी और लाल वस्त्र पहनाएं। भगवान के समीप भजन कीर्तन करें, नृत्य करें। बहुत से स्थानों पर छठी उत्सव मनाते हुए किन्नरों को बुलाकर नचवाया जाता है और उन्हें बधाई भी बांटी जाती है। इस प्रकार आप सब भी अपने अपने घरों में भगवान का छठी उत्सव मनाएं और बनाए हुए भोज्य पदार्थों का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप परिवार सहित ग्रहण करें। कान्हा जी से प्रार्थना करें कि वे अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनाए रखें और आप हर वर्ष खुशहाली पूर्वक उनका जन्म उत्सव और छठी उत्सव मनाते रहें। आइए अब सुनते हैं छठी उत्सव की कथा। कथा के अनुसार भगवान का जन्म हो चुका था। वासुदेव जी कन्हैया को नंद गांव में बाबा नंद और माँ यशोदा के पास छोड़ आए थे। जब बाबा नंद को पता चला कि उनके यहाँ पुत्र रतन हुआ है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। चारों तरफ खुशहाली छा गई, बधाइयाँ बांटी जाने लगी और पूरा नंद गांव इस प्रकार हर्षोल्लास में डूब गया जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो। गांववासी कन्हैया के जन्म के बाद हर दिन को उत्सव की तरह मना रहे थे और नंद महल की शोभा तो देखते ही बनती थी। ऐसा करते करते कब 5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। भगवान के जन्म का छठा दिन था और उस दिन कन्हैया सुबह से ही रुदन कर रहे थे। सब चुप करा रहे थे लेकिन कान्हा का रोना नहीं रुका। माँ यशोदा चिंता में थी कि मेरे कान्हा को किसकी नज़र लग गई। भगवान की नज़र उतारी गई लेकिन वह चुप नहीं हुए। फिर किसी ने कहा शायद लल्ला भूखा है इसलिए रो रहा है। कान्हा को दूध पिलाने का प्रयास किया गया लेकिन सब विफल।
भगवान का रोना सुन नंदवासी तो क्या देवी देवता भी विचलित हो गए कि ये कृष्ण मुरारी की कौन सी लीला है। जब देवताओं को भी कुछ समझ नहीं आया तो वह एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर प्रार्थना की कि ये प्रभु की कौन सी लीला है जो वह इतना रुदन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आप ही इसका कुछ समाधान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला को समझते हुए भगवती योग माया को आज्ञा दी कि वे जाकर कन्हैया को चुप कराएं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर योग माया नंद गांव पहुंच गई और अपनी माया द्वारा जो रूप उन्होंने धरा उसे कान्हा के अलावा कोई नहीं देख पा रहा था। भगवान के सम्मुख पहुंचते ही योग माया ने अपना रूप प्यारी सी तितली का बनाया और भगवान के ऊपर इधर उधर उड़ती फिरे। रंग बिरंगी तितली को देख कान्हा रोना भूल गए और उसे देख देख कर मुस्कुराए। वहाँ इकट्ठे हुए गोकुलवासी हैरान होने लगे कि अभी तो लल्ला इतनी जोर जोर से रो रहा था और किसी के भी चुप कराने से चुप नहीं हो रहा था, इतनी देर में इसे क्या मिल गया जो अब मुस्कुरा रहा है। कान्हा को मुस्कुराते देख यशोदा जी ने झट से उन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने आंचल से ढक लिया कि कहीं फिर से किसी की नजर ना लग जाए और लल्ला फिर से न रोने लगे। भगवान के चुप होने पर सब प्रसन्न हो गए लेकिन योग माया उदास हो गई। प्रभु को प्रणाम कर वह ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने जब देवी योग माया की तरफ देखा तो वह उन्हें उदास लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम अपने कार्य में सफल रही हो फिर भी उदास क्यों हो। देवी योग माया बोली, ब्रह्मा जी, मैं अपने कार्य में सफल रही हूँ लेकिन मैं इसलिए उदास हूँ कि प्रभु के बाल रूप के साथ खेलने में बहुत आनंद आ रहा था लेकिन अब ये आनंद मुझे फिर से प्राप्त नहीं होगा, बस यही सोचकर उदास हूँ। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी, बस इतनी सी बात है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से छठी मैया के रूप में तुम्हें हर घर में पूजा जाएगा। हर बालक के जन्म दिन से लेकर छठे दिन तक तुम इस लीला का आनंद लोगे। जन्म लेने वाला हर नवजात शिशु तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। यह सुनकर देवी महामाया प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अंतर ध्यान। तभी से लेकर आज तक हर घर में बच्चे का छठी उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की छठी से ये परंपरा शुरू हुई थी जो आज तक चल रही है। इस प्रकार बंधुओं, धूमधाम से भगवान का छठी उत्सव मनाएं, भगवान का आशीर्वाद पाएं, आपके घर द्वार पर खुशियों की बरसात होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।